वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग आज करने वाले बात हमारे सेटअप टूर के बारे में। पोल रखा था मैंने, आपसे पूछा था कि क्या हमें सेटअप टूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का वोट आया था कि सेटअप टूर करना चाहिए। दोस्तों, इस सेटअप टूर के अंदर ज़्यादा चीज़ें तो है नहीं, बिकॉज ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों को हमने शामिल नहीं किया है अपने सेटअप के अंदर में। अभी हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो सोचेंगे कुछ अच्छा करने की आपके लिए और ज़्यादा कुछ अच्छा कंटेंट बनाने की। फिलहाल भी हम लोग क्वालिटी कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अपना सेटअप टूर देख लेते, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका कॉस्ट कितना है पूरा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस ट्राईपॉड की। दोस्तों, ये ट्राईपॉड है अमेज़ॉन बेसिक्स का, ठीक है, जिसे हमने लिया था कुछ 650 रुपये में अमेज़ॉन से। ये ट्राईपॉड हमें बेसिकली कैमरा, यहाँ पे कैमरा बोलता हूँ मैं, स्मार्टफोन्स हम लोग यहाँ पे माउंट करते हैं और अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो ये कुछ 18 इंचेस का है टोटल, अगर ट्राईपॉड की बात करते तो। बाकी अभी अगर हम लोग बात करते, इधर ध्यान मत देना बिकॉज ये कपड़े लगते पड़े हुए, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे ये है हमारा एक रिंग लाइट। बेसिकली बहुत सारे यूट्यूबर्स एक बड़ी सी रिंग लाइट यूज़ करते हैं, बट हम लोग कुछ ज़्यादा बड़ी रिंग लाइट अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये कुछ 18 इंचेस का रिंग लाइट है, जो कि है एक्चुअली, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, डिजिटेक कंपनी का ये रिंग लाइट है। और इसका भी साइज़ ऑलमोस्ट ट्राईपॉड के बराबर ही है। अभी मैंने जो दो चीज़ आपको बताई है, ये ट्राईपॉड और ये रिंग लाइट, ये दोनों का प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग पे अभी यूट्यूब चालू किए हो तो ये दो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी देती है। इसका जो लाइट है ना, वो काफ़ी ज़बरदस्त है, वार्म, और मतलब बोलना चाहिए हर तरीके की। तीन लाइट आपको यहाँ पे मिलती है, जिसका कंट्रोल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कंट्रोलर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे आपको ऐसे कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको पावर बटन मिलता है और कलर चेंज का ऑप्शन मिल जाता है, ब्राइटनेस बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं अपने लैपटॉप की, यहाँ पे मैं आस्क रूएस का एपिसोड देख रहा था, संडे था, उन्होंने डाला था तो देख रहा था। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग लैपटॉप की बात करें, लेना वो आईडियापैड 330 वाला लैपटॉप हमारे पास में है, जिसमें आपको डॉल्बी एटमोस मिल जाता है, इंटेल का कोर i3 7th जनरेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली मैंने ऐसे ही ख़रीदा था जब मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता था, बट अभी मैंने पूरा इसको बना लिया अपना वीडियो एडिटिंग का लैपटॉप। जब मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ, फिल्मोरा वगैरह से मैं अच्छी खासी तरीके से वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ। अभी बात करते हैं इसकी, इसका तो बोलना ही नहीं पड़ता बिकॉज मैंने ऐसी सेल से उठा के ला लिया था, कुछ 60 रुपये का था ये। चलो इनको तो साइड में कर देते हैं अभी, बिकॉज इनका हो गया है काम ख़त्म। बात करते हैं अभी इस टेबल की, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, लाइक ये एक्चुअली एक प्लाईवुड है, ठीक है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक प्लाईवुड है। 4-5 सेंचुरी पेपर को चिपका करके हमने ये टेबल बनाया है। बेसिकली पैसा ज़्यादा खर्च करना नहीं था मुझे, इसलिए मैंने ये सब किया। ये प्लाईवुड मुझे एक्चुअली मिल गया कुछ 350 रुपये के आसपास में, मार्केट में बहुत मिल जाते हैं। बाकी अगर हम लोग इसके पहियों की बात करें, तो पहियों को आप देख करके बोलोगे क्या है भाई ये, देखो जो ऑप्टिकल फाइबर वगैरह होते हैं ना, वो वाले हैं ये लकड़ी के। तो मैंने ये ऐसे ही ला लिया था, दो मुझे मिल गए थे ऑफिस की तरफ, तो उठा के ला लिया था। बाकी अगर इधर देखोगे तो हमने इसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए ईंटें लगाए हैं दोस्तों, सिर्फ ईंटें। अब आप बोलोगे कि सेटअप है तो हमें, बताया ना मैंने आपको कि सब जुगाड़ू सेटअप है। मैंने पहले भी बोला था आपको, ये एक स्टूल हम लोग रखते हैं ताकि जो माइक है उसको हम लोग उसके ऊपर रखते हैं, पूरा जो भी बंडल हमारा ये पड़ा हुआ है ना, ये बंडल उसके ऊपर रहता है। बाकी इस तरफ भी हम लोग ने ऊंचाई बढ़ाने के लिए ईंटें रखे, और ये तो है ही है। बाकी ये हम लोग ने ऑप्टिकल फाइबर के लकड़ी के दो वो लाए हैं, तो जिसमें हमारा ये प्लाईवुड टिका हुआ है। हिलता है थोड़ा सा, जैसे कि अगर इसको हिलाना चाहे तो हिलता है, बट हमको हिलाने से कोई मतलब नहीं, मतलब टेबल हिलाने से कोई मतलब नहीं है, ओके? अगर यदि हम लोग इसकी बात करें तो पहले क्या था, यहाँ पे पूरा वाइट था, ये दीवार पूरी वाइट थी, ठीक है? तो मुझे लगा कि सेटअप चेंज करना चाहिए और अच्छी भी दिखना चाहिए दीवार, अगर कोई यहाँ रह रहा है तो मैंने इसको पेंट करवाया, ठीक है? कुछ रॉयल ग्रीन करके वेरिएंट था एशियन पेंट्स का, वो मैंने पेंट करवाया। और ये ऐसे ही मैंने थर्माकोल और खड्डे से बनाया था ये
आपको लग रहा होगा कि ये मैंने खरीदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसको मैंने खड्डे से बनाया है। पहले आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होगी तो यहाँ पे मैंने ऐसा एक और रखा था, मतलब तीन थे एक साइड में और एक साइड में तीन थे, लेकिन जब मैं वहाँ पे बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई सींग लगा के बैठा हूँ, इसलिए मैंने एक एक निकाल दिया दोनों तरफ से और अब दो दो है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी अगर मैं इस चेयर की बात करता हूँ तो ये चेयर मैंने खरीदा था, कुछ मेरे को 1500 रुपये की पड़ी थी, इसका प्राइस जो था दुकानदार बता रहा था कुछ 2800 रुपये 20 फीट के, 1500 रुपये तक ला के उसको छोड़ दिया था मैंने। तो ये चेयर मुझे मिल गई थी, काफ़ी अच्छी चेयर है, लगभग इसको 1.5 साल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब है, बाकी और भी चीज़ें आपको बतानी कि अभी 2 मिनट रुक जाइए। बाकी यदि हम लोग इसकी बात करते दोस्तों, तो ये जो पहले मैंने यूज़ किया करता था लाइक लाइट्स के लिए, जब मेरे पास रिंग लाइट नहीं थी तब मैं इस चीज़ को यूज़ किया करता था, और अभी मैं इसको लाइट इफ़ेक्ट्स के लिए यूज़ करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या मैं इसको यूज़ करता हूँ, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। मैंने रैप पेपर उसको काट दिया है ताकि थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा आए वीडियो के अंदर। ये अभी रिसेंटली मैंने ख़रीदा है, माउस पैड था, पहले मैं जो खड्डा आता है ना उसके ऊपर रख करके माउस चलाया करता था, बट मैंने बाद में ये ख़रीदा है, कुछ 199 रुपये का है, अमेज़ोन से बाय कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना कि मैं इसको लाइट इफेक्ट के लिए रखता हूँ, देखो कुछ इस तरीके का लाइट इफेक्ट आता है, और जो इफेक्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ से, मतलब ये एक LED स्ट्रिप है जो कि मैंने कुछ 200-300 रुपये में बाय करी थी। ये पूरी स्ट्रिप है ना, इसको मैंने एक साथ रख दिया है ताकि इस वॉल के अंदर अच्छा खासा इफेक्ट आ जाए RGB लाइट की तरह। बाकी ये अडाप्टर है उसका, और ऐसा ही कुछ सेटअप है। बाकी ये मल्टी बॉक्स रखा है मैंने, और यहाँ पर कुछ चार्जर वगैरह रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सेटअप टूर। आप लोग सोचोगे कि इस सेटअप टूर के अंदर ज़्यादा कुछ देखने को तो आपको मिला नहीं, लेकिन जितना कुछ है दोस्तों ये सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है। चिड़िया लोग हैं, घोंसला बना के बैठी इसलिए आवाज़ कर रही। एनीवे ये सेटअप मुझे मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस सेटअप से ही मैंने मतलब बहुत कुछ हासिल किया है। तो ये सब चीज़ों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस सेटअप को चेंज ना करूँ, और धीरे धीरे हम लोग करेंगे, एकदम से कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों। कोई भी अगर आदमी सेटअप बनाता है तो वो उसके 4 से 5 साल की मेहनत होती है। अभी तो हम लोगों को मुश्किल से 1 साल हो रहे, 1 से 1.5 साल हो रहे, हम भी करेंगे कुछ अच्छा। वैसे आप बताना आपको ये सेटअप टूर किस तरीके का लगा, और आपको क्या लगता है इस सेटअप टूर में आपको कौन सी चीज़ें बेटर लगी और कौन सी बुरी लग रही, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो फिलहाल मिलते हैं अपने 9 बजे लाइव सेशन के अंदर, अगर आपको आना है तो आ सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है। तब तक के लिए बाय।